दुखिया ऋषिया की कहानी फिर से। जंगल के बीचों बीच एक सुंदर झील थी। झील के किनारे नाम की छोटी छोड़नी रहती, उसके चेहरे पर उदासी छाई रहती। सिया को खेलना और दौड़ना पसंद था, लेकिन वह कभी भी खुश महसूस नहीं करती थी। उसके दुख का कारण किसी को पता नहीं था। एंड एक दिन जब वह झील के किनारे एक बिच्छी फिश पाथ आया, उसका नाम हिरण्य। हिरण्य तो भैंजो तो हर बार के बार हुई से बची गई ने मार। सिया ने बताया कि वह अपने दोस्त को मिस करती है। उसका दोस्त बहुत दूर चला गया था। हिरण्य ने सिया को दिलासा दिया और दोस्ती का पाठ पढ़ाया। दिन बीतते गए और सिया ने हिरण्य के समय बिताया। धीरे धीरे वह उसे अपना नया मित्र मानने लगी। उसकी उदासी कम होने लगी। हिरण्य ने सिया को बताया कि दुख बांटने से हल्का होता है। सिया ने सीखा कि दोस्ती में बातें करना कितना जरूरी है। वह मुस्कुराने लगी थी। जब सिया को फिर से उदासी महसूस हुई, वह हिरण्य के पास गई। हिरण्य ने उसे गले लगाया। सिया को एहसास हुआ कि हमेशा साथ होते हैं। अब सिया जान चुके अब देखिए आप प्रोसेस जब वह उदास होती बांटती। एक दिन सिया को एहसास हुआ कि दुख हमारे जीवन का हिस्सा है। दोस्ती में बांटने से वह आसान बन जाता है और वह खुशी जीने लगी। अभी डाउनलोड करें और हर दिन नई कहानियां खोजें।